Hey guys, it's Varinam here और आज बहुत बहुत बड़ा दिन है कि आज हम बहुत बड़े लेजेंड के साथ बैठे हुए हैं और इनफैक्ट अभी भी मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपना स्माइल रोक नहीं सकता कि आई एम गेटिंग द मौका कि उनके बाजू में बैठ रहा हूँ आज तो आज बहुत मजा आएगा. वी विल बी डिस्कसिंग मेनी टॉपिक्स अबाउट हाउ पुराने गाने कैसे रिकॉर्ड होते थे, क्या होता था, व्हाट इज द बिहाइंड थिंग, और फिर वो कुछ पीसेस बजाएंगे, हमारा नसीब होगा वो बजाएंगे और बातें होंगी. एंड So, we will start the session. Yes. Please, please take a seat. Yes, I am here. तो आज हमारे साथ हमारे एक ऐसे मित्र हैं जो बहुत सीनियर है, मतलब मित्र कहने के लिए भी प्रिविलेज समझ रही हूँ. सो इतने सारे गाने हैं इनके, उन्होंने बजाए हैं. But we will start with dad. Okay, sure. तो आप ही dad के बारे में बताएं, बाद में उनकी तस्वीर भी हम दिखाएंगे. Okay. मेरे डैडी जिनका नाम था परशुराम हल्दीपुर और उनका जन्म हुआ था 1929. Oh. And he lived up to the age of 93 तक. और डैडी सबसे पहले जब गांव में थे उनको शौक था गाना गाने का, और मेरी जो दादी थी उसको भी शौक था गाने का, लेकिन मदर उनके पेरेंट्स बचपन में गुजर गए जब 4-5 साल में थे. तो डैडी की मासी थी, उन्होंने उनको अपने घर में लाया, उनको बड़ा किया. फिर मामा जी थे, बोले तुझे क्या करना है? नहीं, मुझे कुछ गाना गाना है. बोले इधर क्या गाना गाएगा, तो बम्बई में जा. तो बम्बई में आ गए, किसी वो बहू के धक्का जो उनको बोट में गोवा से कारवार से बिठा दिया बोट में. बोले उधर तेरा वो एक मामा आएगा, वो तुझे ले लेगा. ऐसे करके वो बम्बई पहुंच गए. और कौन से साल में ये? तो 40s में होगा, बिफोर पार्टीशन, बिफोर. तभी वो आए और फिर सबसे पहले ये भूलोसी रानी जो थी ना, भूलोसी रानी जो आने यानी हमने भी नहीं देखा उनको, उनके पास गए गाना सुनाने के लिए. अरे वो पिक्चर बनाते थे तो उनके पास कोई बोला अरे उधर जाओ उनको सुना, तो वहाँ गए तो गाना सुना. तो वो क्या कर्नाटक के थे ना, और यूजुअली हम लोग हैं सारस्वत ग्राम GSP. ओके ओके. तो कर्नाटक में रहे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी साउथ, यानी साउथ वाला अगर मराठी बोले हिंदी बोले तो पट करके समझ में आता. तो उन्होंने कुछ गाना सुना तो उनको बोले कि गाता तो अच्छा है लेकिन तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें साउथ इंडियन टच आता है, जैसे बालासुब्रमण्यम गाते हो तो पता नहीं मालूम पड़ता है कि साउथ इंडियन गाना साउथ इंडियन. तो उन्होंने वो बोले फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो करना है फिल्म में. तो फिर तुम ऐसा करो, तो उनको उनके पास कुछ मैंडलिन थी एक, बोले तुम्हें बाजा बजाओ. देखिए फिर उन्होंने वो बाजा लेके, उसके पहले वो सितार बजाते. ओके ओके. सितार बजा देते और बहुत रियाज करते थे क्योंकि स्ट्रगलर थे ना कुछ बनना है. तो तभी उसका हलीम जफर खान साहब, हलीम चाचा, हम लोग तो हलीम चाचा ही बोलते थे बचपन से. तो डैडी के और वो एक साथ वो लोग एक ही गुरु के पास माइंड में सीखते थे, जहाँ ये सज्जाद साहब रहते थे माइंड दादी के पास, अली जफर खान साहब का टेरिस फ्लैट था वहाँ पे, उन्होंने अपने गुरु को भी वही घर दे दिया था. तो तभी वो लोग वहाँ डैडी भी सीखने जाते थे सीधा. और क्या एक होता है ना जोश होता है कि लाइफ में कुछ बनना है, रियाज रात भर करना. उन्होंने एक संयम बनाया था अपना कि जिस दिन मैं रियाज नहीं करूँगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा. तो यहाँ भी बैठ सकता है, सो यू कैन सी दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. आ जाना बच्चा. अभी बैठा नहीं. तो उन्होंने एक संयम बनाया था, जिस दिन मैं रियाज नहीं करूँगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, और खाना नहीं खाएगा तो आदमी को नींद नहीं आएगी. नींद नहीं आएगी तो बोले यार जान दे प्रैक्टिस करता हूँ, फिर बाजा 2 घंटा घर बैठते थे फिर खाना खाते थे. वो उनको बाद में वो तकलीफ हो गई. तो उनको ये सब हेल्थ में भी प्रॉब्लम होने लग गया क्योंकि खाना नहीं खावे तो पेट में गैस हो जाता था. वो उनको ओल्ड एज में तकलीफ आ गई. लेकिन उनका कैसा था, फिर वो
सुंदरम मास्टर जी जो रवि सुंदरम पता है मैंडोलिन, हाँ, हाँ, हाँ। रवि सुंदरम के फादर थे, वो वायलिन बजाते थे फिल्म में, तो वो हमारे परेल में रहते थे। और डैडी जब परेल में आए तो उनके एक पान की गाड़ी होती है ना, हाँ। पुराने वो सुपारी तंबाकू का दुकान, हाँ, हाँ। तो रेलवे अपने रेलवे ग्राउंड के सामने था वो, तो उधर उनके वो पहचान वाले थे, तो उन्होंने उनका माला था, तो डैडी उनके वहाँ जाके सोते थे रात को, क्योंकि पहले कुछ था नहीं, नए नए आए हुए, तो उन्होंने बोला अरे इधर एक सुंदरम मास्टर जी रहते, मास्टर जी वायलिन बजाते, तुमको मैं लेके जाता हूँ, बता दिए तुमको मैंडोलिन, मैंडोलिन भी तो मैंडोलिन और वायलिन का ट्यूनिंग सेम है ना, जी डी ए। तो मास्टर जी ने बोला देख ये सा है डी, ये रे ग म, अभी पद नहीं सर टूट, तुमने समझा बोले अभी इसको रगड़ जितना तेरे को आता है। उन्होंने 22 के 21 दिन में रिकॉर्डिंग भाई क्योंकि सितार सीखे हुए थे, हाँ। अभी मुझे मान मेरा चालू हो गया उसमें सारे जो सितार के रियाज उसके ऊपर, फिर वो एक शॉप बजाने लग गया ना, तो उन्होंने एक संयम बना, फिर रिकॉर्डिंग नौशाद साहब के पास, मैंने यहूदी के कौन थे संगीतकार शंकर जी, ये फिर उनका सब चालू हो गया लाइन घड़ी घड़ी मेरा दिल वही है वो पीस का घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के वो गाना है जैसे सलीला इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने हाथ से ऐसी रिंग निकाली, बड़े परेशान थे आपके मेरी तरफ से डायमंड की रिंग दे दी। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि हम उस एरा की बात कर रहे हैं जिस एरा के बारे में आज मतलब मेरे लिए भी बहुत ये है कि अच्छा अच्छा उस जमाने में ऐसा होता था, सो इट्स जस्ट अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और उनकी जो रिकॉर्डिंग उस जमाने में ऐसा था कि वहाँ हीरोइन डांस कर रही है नदी के पास, तो ये लोग भी उधर जाके एक माइक में वो गाना गा रही है और इधर से वो बजा रहे। अच्छा वो एज में जो तबला सब यहाँ, हाँ हाँ हाँ, वो एज में उन्होंने वो काम किया, यानी जैसे नाटक था तो नाटक में कैसे चलता था वैसे। और नहीं नहीं कोई नहीं, और कौन से गाने याद है आपको डैडी के, शंकर जी के मतलब वो महबूबा किशन, नौशाद साहब, फिर आपके मदन मोहन। अच्छा वो भूली दास्तान, वो भूली दास्तान, हां डन 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 डन, हां वो किसको, हां फिर वो सब उन चाहिए, हां फिर लो फिर याद आवे, हां हां वो और एक गाना बदली से निकला है, बदली से निकला है, और नैना बसे सब सब फिर लज्जा गले वो कौन सी का पूरा होते हैं सब इसको कैन यू प्ले थोड़ा सा लज्जा गले जी बस स्पॉट्स भी चलेगा गाने गाने प्लीज करो गाने अरे यार माहौल बन गया यू हैव टू कम क्लोज हरीश जी वेलकम Oh,
और तो ये आई मीन सच एन अमेजिंग स्टफ, यानी फिर वो गाना भी होगा सज्जन रे तू वो भी उनके ओ मैं है बुबा वो भी बजा होगा तेरे दिल के पास ही स्थिर रहो ये सब छोटे छोटे पर हुक की याद आ रहा है तो दिमाग से आपके हटेगा नहीं सज्जन रे तू के मत भूल ये सब पहले कैसा था ना लाइव रिकॉर्डिंग का यही मजा था। अभी का जो आजकल के जो गाने आपको जो सेम लग रहे क्यों लग रहे? अभी एक दिन ऐसे हो गया मैं गाना एक मेरे एक स्टूडेंट को गिटार लेना था तो उसके फादर बोले चलो ना आप गिटार चूज करेंगे बोला चलो तो गिटार चूज किया वह आते वो गिरगांव से लेके परे वो भी परे तो उन्होंने कुछ शाम का टाइम एफ एम लगा दिया अब बात भी चल रही गाना भी चल रहा और कौन सा गाना चल रहा था वही चल रहा है ऐसे करते करते लाल बाग आ गया तुमने उनको क्या अरे शिवी कितना लंबा गाना है यार एक घंटे से एक ही गाना चल रहा है सो उतना नहीं सर सातवा आठवा गाना मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं जब से मेरे को ये सब गाने एक ही लग रहे हैं तो ये क्यों हो गया है अभी जो गाना सोचने वाला है वो अपना मशीन लेके बैठा हुआ है प्रोग्रामिंग का सोच अकेली की है पहले के संगीतकारों में क्या था तबले वाले की सोच अपनी थी गिटार वाले की सोच अपनी थी वायलिन बजाने वाले की सोच अलग थी ट्रम्पेट बजाने वाला अभी आपने पा 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 रा पा अब उसको पा 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 वो बजाने वाला वो आदमी है वो तो एक्सप्रेशन फील तो वो अपने स्टाइल से बनाएगा तो मैं कुछ अभी समझो अभी गाना बजा रहे सडनली मैंने कुछ अरे क्या बजाया तूने अच्छा लग रहा है ये फर्स्ट म्यूजिक में इसके साथ बजेगा ना तुम्हें ऐसे बजे बस मैंने अपना मार्क कर लिया क्योंकि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया वो म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं सोचा वो टीम वर्क है वो टीम वर्क है और जब 100 आदमी लोग जब आपके आजू बाजू 25 आदमी तो 25 लोग की भी तो सोच है ना तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन तो टीम वर्क जैसा हो जाता हाँ अभी मैं कुछ मैं अपने इसमें कुछ भी कर रहा हूँ सडनली उसने ऐसा कुछ ठेका बजा वो गाना बनते गए और वो ही गाने में आपका कोई थीम जैसा था डंग डंग डरा डरा वो एक्चुअली उसमें था फिल्म थी ना खट्टा मीठा अच्छा खट्टा मीठा खट्टा मीठा जो पिक्चर थी उसके अंदर वो फैमिली है ना पारसी फैमिली बने अशोक कुमार की और तो खट्टा मीठा खट्टा मीठा ऐसा कुछ का तो बैकग्राउंड में तभी राजू बोला कि अरे यार एक थीम बना रहे थीम बना रहे तो हम लोग पहले सिटिंग रूम में पूरा दिन सिटिंग रूम में बैठे रहे अभी राजू बैठा है गाना बना रहे जूरी जैसे अभी हाँ। तो मैं भी बैठा हूँ अभी आपने कौन सा गाना था आपने गाया है खट्टा मीठा तो ऐसे बजाते मैं अपना बैठा इतना सब थीम था ओ माय गॉड अभी वो थीम आके अभी कहो ना प्यार आके कितने साल हो गए 10 साल हो गए मतलब सितारों कि मैं फिर मैं तुझे गाता रहना ये तो आगे जॉइंट हो गया लेकिन उसका ये खट्टा मीठा था वो थीम में से वो गाना सो दैट यू नो वाज कंपोज्ड बाय यू दैट हां ऐसे ही हुआ वो ऐसे ही हो गया हां ऐसे हो जाता है अभी उसको कुछ कर नहीं सकते क्या कर सकते टीम वर्क है ना या अभी तो जितने भी राजू रोशन के आप गाने सुन रहे हो जैसे जूली का गाना सुन रहे हो अभी वो जूली बेटे हम लोग तो निर्मल लगा हुआ है मैं उधर लगा हुआ उधर अमर भाई बैठे हुए इधर राजू बैठा है अभी स्टार्ट क्या करते हैं अभी तो डायरेक्टर भी सामने बैठे हुए उन्होंने भी सिचुएशन बताया कि इसका सीन ऐसा है ऐसा वो रोमांटिक हो गया है वो देखा है ना आपने जूली पिक्चर तो देखी हाँ
तो ऐसे में स्टार्ट कैसे करें, तो ऐसे में बेटर पे तो ऐसे सिस्टम में क्या करूं, मैंने ऐसे दिए फिर I want to take this close so you get that sound. सोचा जैसे आपने अभी जो पीस गया ना तो इंट्रोडक्शन बन गया, फिर अमर भाई ने उसकी सजा और चालू कर दी, तो ऐसे करते करते बोले यार फर्स्ट म्यूजिक क्या बनावे, फर्स्ट म्यूजिक कुछ बनाना चाहिए, तो मैं भी अपना लगा हूँ क्या बनाऊँ, ऐसे मैंने बजा दिया खींच के लंबा करता हूँ, तो मैंने ऐसा कर दिया उसको, ये मेरा पार्ट था, उसके ऊपर पीछे वायलिन्स और ऐसा, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन हर एक का होता है, हर म्यूजिशियन और दिल क्या, वी कैन टेक केयर, दिल क्या करे, दिल क्या करे, इनफैक्ट दिल क्या करे इज डन बाय वरेनियम, उसने हम लोग ने ऑफिशियली परमिशन लेके यूनिवर्सल से उसका एक वर्जन किया मैंने तब से, और उसको पिक्चराइज भी किया, सो आज अरे जी चलेगा जी चलेगा जी
उस गाने का ने हाँ एक एक चीज़ है जैसे कि ये गाना जब राजू ने बनाया था तब हम लोग ये गाना लेके गए थे बख्शी साहब के ये गाना गाना बख्शी से बख्शी से ये गाना लिखा हुआ नहीं था खाली टा टा टी टा 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 ऐसे कुछ किया था उन्होंने राजू ने ऐसे सुन लिया और फिर हम लोग गए सिटिंग रूम में अपने बख्शी जी के घर में मैं भी था साथ में निर्मल था ओके हम गए वहाँ पर और ओके सॉरी बाय द वे अभिजीत नार्वेकर से इज हाय अरविंद अंकल एक थोड़ा ये भी देख लेते हैं निनाद मुलावकर से इज वाव ही इज अ वेरी गुड फ्लूटिस्ट सचिन जोशी वॉचिंग क्यूर मांडगे अजीत पुरोहित रशेस मणि अरे हाय मणि माय गुड फ्रेंड विश जी देख रहे अपने विश विश अन्ना नमस्कार और हरीश जी है न्यू जर्सी में बहुत अच्छा बेंजो बजाते हैं और वेरी गुड कीबोर्ड और बेंजो बहुत वेरी सुलझे हुए हैं और एंजॉइंग द सेशन हु इज दिस अभिजीत खांडेकर फ्रॉम बड़ौदा सोहिल जी है राजकोट से हैं नीलेश है संजय जी हैं ऋषि परमा राजकोट से स्मित पांड्या इज माय कजिन सन एंड ही इज अ वेरी फेमस कॉमेडियन ओके बहुत अच्छे एक्टर हैं ओके और प्रीतेश शाह विश्जी गुंजेश जी वो न्यू जर्सी में बहुत अच्छे पिक्चर्स हैं यानी जितने भी शो के पिक्चर्स होते हैं फोटोज ओके वो गुंजेश उनका वो कॉपीराइटेड है ओके और बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने ओके किसी को टेक्निकल कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं म्यूजिशियंस क्योंकि शेयरिंग तो हो ही रहे हैं सॉरी लेट्स कंटिन्यू हाँ आनंद बख्शी जी के माना गए तो आनंद बख्शी जी के माना गए तो गाना तो कुछ लिखा हुआ नहीं था और मानता हूँ मैं बख्शी जी सच्ची बोलता हूँ ऐसे हाँ राजू वैसा भूल दिया एक तो बात ही ऐसे करते राजू हम लोग क्या बात नहीं करते हम लोग राजू की सब ऐसे उन्होंने एक पान बनाया ना जिंदगी में ऐसे पता नहीं यहाँ से वहाँ एक राउंड मारा वहाँ से यहाँ उनके हॉल में हम लोग बैठे और ऐसे देख रहे हैं अभी क्या करें गए सीधा वहाँ से पेन लिया उन्होंने टक 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 देख मुकड़ा दुख कैसे दिल क्या करे जब किसी से दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए बख्शी जी मेरे मीटर में बैठ सकते हैं ना हाँ ऐसा गाया ना तुमने देख दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए ऐसा तोड़ दिया उन्होंने अभी दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए ऐसे भी बोल सकते हैं बोले नहीं ऐसा दिल क्या करे
जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, फिर उन्होंने राजू ने उसकी चाल बनाई, दिल क्या करे। अभी हम तो उस दिमाग में गाना इतना बैठा है कि मैं गा ही रहा हूँ। उन्होंने तो वर्ड्स के दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, राजू ने वही के वही गा रहा हूँ, दिल क्या करे जब किसी को किसी से। ये तो सीधा सीधा बना, बाद में गाना रेडियो में कदम गए रिहर्सल को किशोर दा के घर। अच्छा, फिर किशोर दा के वहाँ भी गए? हाँ, क्योंकि राजू के गाने, राजू जाता था सेट पे, तो हम लोग दादा को पहला गाना रिहर्सल बंगले में गए। और किशोर दा भी कमाल थे, सच्ची बोलता हूँ, उनके जैसा तो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता है। उनके जैसा सुरीला भी आदमी नहीं हो सकता है। उनका एक गाना आप ढूंढ नहीं सकते कि इन्होंने बेस पर गाया। और वो वॉइस कल्चर का उनका कमाल था, अमेजिंग अमेजिंग वॉइस, अमेजिंग कैरेक्टर। तो बाकी की जो उसमें जो जो रस डाला है ना, जो किशोर दा ने, वो सब किशोर दा का ही है ज्यादा। कहते दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार। अच्छा, वो पूरा उन्होंने वो सब उनका कैरेक्टर ही ऐसा था ना। पर वो म्यूजिक आया था ना, तो उसके पहले की जो फिल्में थी जूली के बाद ना, पूरा वो नई फ्लेवर एड ऑन, मुझे ऐसा लगता है 100%। और उसका एक 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 जो आपने बजाया ना, वो नाइन्थ वाला जी माइनर नाइन जूली, वो एकदम हॉन्टिंग हो गया था, नोटाइज करता था। हम लोग रास्ते पे, मैं चल रहा हूँ स्कूल पे जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में वो गाना, और ऐसे कि सामने से बस आ रही वो भी नहीं पता था, इतने इंग्रॉस्ड हो जाते थे हम लोग। वो था ऐसा ट्रिपिंग था, वो क्या हो जाए काइंड ऑफ अ ट्रिप। हर आदमी ना जब साथ में बैठते, तो अभी वो आप गा रहे हो तो सडनली मेरे से कुछ बज गया तो मैं उसके पीछे वैसे बजाते रहूँ। अभी देखिए, अभी मैं आपको एक बाद में वो भी बजा के बताऊंगा कि बैकिंग ट्रैक है, अभी उसमें क्या बज रहा है। अभी आप में क्या कितना बजा सकते हो पूरा ट्रैक, उसने बैकिंग ट्रैक गट्री गोवन का। अभी ओके इतने बज रहे हो और तुम्हें ऐसे कोई अच्छा ट्रैक लग गया लगा देता हूं, मैं सोच रहा हूं इसमें क्या बजा। लेकिन आप एक घंटा बजा सकते हैं और उसके लिए खेल सकते हैं, खेल सकते हैं उसको। और हर टाइम आपकी उपज नई नहीं होती रहेगी। और ये करने के लिए क्या होता है, मैंने बहुत बार सोचता था, मैं कास्ट्रोल एनिमल कास्ट्रोल, मेरे ही वाज माय फेवरेट अंकल, मींस वी वर सो फ्रेंडली, हमारी बॉन्डिंग ही अलग ही थी उनके साथ। जू में रहते थे, जू में रहते थे, अभी उनकी डेथ हो गई। उन्होंने लेकिन पहले मैंने उनको स्टाइल बताया, हारमोनी बिरमोनी सब उन्होंने फिगर तर तर क्या बजाया उन्होंने। अरे वाह, बाकी कर्ज में तो मेन गिटार की जो सोलो है वो गौरव भाई ने बजाई है। हाँ, जो एकॉस्टिक गिटार है, जो जॉन मेंशन। हाँ, वो हम लोग ने क्या किया था वेस्टर्न आउटडोर में, हम लोग 5-6 जीत जाते। अच्छा, वेस्टर्न आउटडोर में? हाँ, सिर्फ थीम रिकॉर्ड किया था। ओ, पिक्चर का तो बाद में सब काम चालू हो गया। पहले बोले पिक्चर के लिए थीम, सुभाष जी ने बोला मुझे ये वो पिक्चर, दमन जी ने रिकॉर्ड की थी। हाँ, दमन सुध ने रिकॉर्ड किया था, और उसमें कोई ज्यादा म्यूजिशियंस नहीं थे, एक रवि गुप्त था, गौरव भाई थे। okay. मैंने बेस बजाया था उसमें, वो जो एकॉस्टिक में जो पूरे पिक्चर में चल रहा है ना, जो थीम चल थीम चल रहा है एकॉस्टिक का, उसमें सिर्फ चरणी जी है। ओके, चरणजीत जी, राजू सिंह के फादर, वो कीबोर्ड बजाते थे, तो बेस गिटार नहीं बजा रहे क्योंकि गौरव भाई एकॉस्टिक बजा रहे थे, और रवि गुप्तू और सुरेश सोनी था लगते उसमें सॉफ्ट रिदम के। बस वो हम लोग ने पहला वो थीम रिकॉर्ड किया था जो पूरी फिल्म में चल, वो पूरी पिक्चर में चल रही है।
और इलेक्ट्रिक में जो बजाया था गाने के अंदर बज रहा है गाने टैं वो फिर मैंने बजा दिया था। लेकिन जो मजा है गौरव भाई ने जो बजाया ना उसकी मजा अलग है। वो मेरे 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 मैं उनको गौरव भाई को अपने गुरुजी समझता हूँ। गौरव भाई नमस्ते आप देख रहे होंगे तो, और मेरे मेंटर ही है, मैंने उनको देख के बहुत सीख लिया और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन भी दिया। कभी बोलते थे जैसे कंडक्टिंग करना था तो प्यारे भाई अंदर बैठे थे तो बोले अरे कंडक्टिंग अभी गौरव भाई कंडक्ट कर रहे ऑर्केस्ट्रा कभी बजाएगा तो बोलते थे नहीं अरिम बजाएगा। तो मेरे को ऐसे सब चांस मुझे मिलते जाते जैसे एक दूजे के लिए वक्त में गया था एक दूजे के लिए तब लाइव रिकॉर्डिंग अच्छा। एक दूजे के लिए तो वो गाना था ना तेरे, तो मेरे तेरे मेरे बीच में C minor 6 में तो अभी वो वो सब लिखा है डन 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 तो हाँ स्ट्रोक सेक्शन बजाओ डन 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 उन्होंने सोच लिया तो उसके पहले बोले अरे एकदम डायरेक्ट स्टार्ट किया करें अरविंद सी माइनर में कुछ पैटर्न बना लो। ओ तो फिर मैंने अभी बोले सी माइनर सी में अभी ऐसे भी बज सकते हैं बहुत बढ़िया मजा नहीं आया। लेकिन वो ऐसा दिमाग में होते ऐसे लगता है कुछ चालू हो गया दर्द आपके दिल में चालू हो गया क्या गाना दिया है वाओ हैट्स ऑफ टू यू। मैं तो कभी कभी गाना सुनता हूँ ना तो क्या दीदी ने गाया है क्या लक्ष्मी जी ने कंपोजिशन किया है और क्या उन्होंने लिखा स्ट्रिंग पार्ट स्ट्रोक पार्ट माय गॉड मेरे को तो कभी कभी बोलने को नहीं होता वो याद आता ना तो अंदर से चौक हो गया हाँ चौक हो जाता है अंदर से वो याद आ गई लक्ष्मी जी की मेरे भाई थे बड़े मैं तो उनको भाई बोलता था। क्या बात है व्हाट अ लवली मोमेंट। अरे उनके जैसा तो मैं इंसान मेरे लाइफ में कभी उनको गुस्सा देखा ही नहीं हमेशा स्माइली थे और हमारी लक्ष्मी जी गई हमारी लक्ष्मी भी चली गई जो उनके जमाने में जो लक्ष्मी आती थी ऐसे जेब में जगह नहीं रहते तो हम लोग शर्ट की टी शर्ट बंडल लेते और लक्ष्मी जी और पैरे में तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो महबूब में क्या एक माहौल हुआ माहौल ऐसे देखने भी नहीं मिलेगा आज के लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे गाने बनते थे। तो जैसे एक दूजे के लिए गाना था तो एक दूजे के लिए बोले अरे कुछ चार बार का तो सीधा बोले थे चार बार का देख लेना क्या है तो बोले हाँ ठीक है घर में कैसे तो मैंने तो 12 स्ट्रिंग में बजाया हूँ मैंने तो एक्चुअली ये पोजिशन गाना मैं इतने साल के बाद मतलब कहाँ कोई स्कोर वोर कुछ नहीं है मैं ऐसे पूरा नेचुरल नेचुरल है ये तो कमाल है ना यू डोंट हैव टू सी द स्कोर आप नेचुरल एक वो कैसे ब्लड में चल रहा है नस में घुस गया वो यही तो उनके कंपोजिशन और पहले के पुराने संगीतकारों का यही तो कमाल था। मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि टीम है अरे भाई तुम क्या कर रहे हो तू अरे ये दे दो ये दे दो ये दो देन यू नो वो एक इंटीग्रिटी बनती है उसे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अगर मैं मशीन के सामने बैठा हूँ तो मैं और मशीन क्या वाइब्रेशन क्रिएट होगा। जैसे राजू की वो फिल्म थी अपनी दूसरा आदमी हाँ क्या मौसम है क्या मौसम है वो तो सब है गाने उसमें पीसेस तो है सब लेकिन उसमें उस पिक्चर में आपने देखी अच्छा वो आपने बजाया आई एम सॉरी मैं बात हाँ क्या की मेरा गाना जी होगा अरे क्या बात लेकिन वो क्या हो गया हमारे किशोर देसाई जो मैंडरिन में वो भी दे साथ में और ये गाना मुझे लगता है फेमस में हाँ तो फेमस में जगह भी इतनी कम रहने की अब बनाया था मैंने सुनो
तो मैं जितने सोलो बनाता था तो मैं ही बजाता था, और राजू बोलते नहीं नहीं अरविंद तू ही बजाएगा, ऐसे होता था। उसके दिमाग में दूसरा नहीं, तो बस वही बजाएगा बनाए में तो दूसरे को काय को देंगे दूसरे को, तो नहीं अरविंद तो किशोर और देसाई थे ना, उनको राजू भाई ये पीस मैं भी बजाता हूँ साथ में। अच्छा भैया ये आप भी इतना घुस के माइक में बजा दिया तो गिटार का लेवल कम हो गया और मैटोरिन जाते हो गए ऐसे। तो जब भी मैं वो पीस सुनता हूँ तो मुझे किशोर भाई की याद आती है, बोले अरे किशोर भाई मेरा अच्छा पीस में आपने ये कर दिया। तो ऐसे तो उस पिक्चर में स्टोरी ऐसी है ना जो राखी ऋषि कपूर शशि कपूर, तो जब भी वो ऋषि को देखती क्योंकि उसका जो होने वाला हस्बैंड था वो तो डेथ हो गई, और ऋषि और शशि जी का तो फैमिली फेस है, तो जब भी वो ऋषि को देखते तो उसकी याद आती है उसको, तो उसके लिए कुछ थीम बना कुछ बना देती है कुछ अच्छा सोच। मैं भी अपना जगह बोला तो इतना ऐसा बोले अच्छा है इसको डेवलप कर दे, तो फिर वो डेवलप होते होते वो पिक्चर आके चली गई, लेकिन वो पीस मेरे दिमाग में जहन में था कि भाई एक पीस मैंने बनाया था अच्छा था, वो पीस बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको और डेवलप कर दिया। ओके और उसको ऐसा डेवलप किया कि मैं बोला अभी ये तो सिंगल स्पीड में, इसको डबल स्पीड में भी कैसे जाएगा, यूजुअली 3/4 में जैसे फास्ट म्यूजिक नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, 3/4 एक वॉल्स उसका वो एक फ्लो उसी टेम्पो में जाएगा तो मजा, लेकिन ये पीस ऐसा था कि इसको डबल में बजाओ तो कैसे सुना देगा। अभी मैं आपको सुना देता हूँ पूरा एक सिंगल में, इसका क्या मेन राइट हैंड है ना, है क्लासिकल गिटारिस्ट होते जो ऐसे बजाते हैं लोग फिंगरिंग, लेकिन मुझे तो प्लक्ट्रम से बजाना है क्योंकि मैंने पहले से सीखा ही इसके ऊपर, तो ठीक है बोले क्लासिकल को भी इसमें बजाता हूँ। तो अभी आपको कोशिश करता हूँ डबल में जाने, ऐसे उपज होती रहती है कुछ ना कुछ। क्या क्या बात है, इट्स टोटली ये भी एक हिप्नोटिक है। तो आप कुछ ध्यान वगैरह करते हैं? नहीं नहीं कुछ ध्यान नहीं लगा, इस पे ही लगा रहता हूँ, सोचते रहता हूँ कुछ क्या करूँ क्या, ऐसे ऐसे लेके बैठे रहता हूँ। अभी आपको एक प्रोग्रेशन बजाना, सिंपल है लेकिन डी माइनर सिक्स, ए माइनर डी माइनर सिक्स है ना। ओके लेकिन वो सिक्स नोट जो है वो आपने लो में डाल दिया मैंने। ओके ओके बराबर, ए डी माइनर आपका ए माइनर, उसके बाद डी माइनर सिक्स, उसके बाद आपका लाया मैंने ई फ्लैट नाइन, ओ
लेकिन वो जा रहे थे कहता डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, एक फिल्म आने वाली है, मेरे बहुत अजीज दोस्त है जिनकी बहुत काफ़ी बड़े डायरेक्टर बड़े नामचीन मेरा बहुत भाई के जैसे ही, हम लोग यानी लाइक आई कॉल हिम अन्ना, अन्ना यानी शशिलाल नायर जिन्होंने फिल्म अंगार बनाई थी, एक छोटी सी लव स्टोरी बनाई थी। तो एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने मुझे बोला था, अरे अरविंद मुझे ना बैकग्राउंड करना है बट आई डोंट वॉन्ट दिस टिपिकल हिंदी फिल्म बैकग्राउंड, मैं भी ऐसे सोच रही हूँ हिंदी फिल्म है तो नहीं यार वैसे नहीं, जैसे कोई गिर गया ढांग हीरो आया विलन आया तो पम 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 वो सब नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज ये पिक्चर मैंने जो बनाई है वन ट्रैक माइंड है, बच्चा है इसकी उम्र का बच्चा, एक छोटी सी लव स्टोरी बस लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में एक घर के अंदर शूट। तो बोले वन ट्रैक माइंड है उसके दिमाग में दूसरा कुछ नहीं सोचता, तो मेरे को ऐसा थीम बना कि अभी एक नोट बजेगा थोड़ी देर के बाद दूसरा नोट बजेगा। अरे बोले थीम कैसे होगा, थीम बना रहे ना थीम थोड़ी बनी है मेरा, मैं भी सोचने के लिए मैंने बोला अच्छा टाइम दे दो ना, तो मैंने उसका थीम बनाया लेकिन उसको 3/4 में कर दिया मैंने जान पूछ के, क्योंकि 3/4 इज द स्लोएस्ट टेम्पो यू कैन प्ले। तो उसने क्या बोला मुझे अभी एक नोट बजा फिर थोड़ी देर के बाद बजा, तो उसको मैंने ऐसा कर दिया सस्ते ने दूसरा कुछ नहीं, वो बाइनोकुलर इधर से दिख रहे हो वहां से दिख रहे उसके और एज लड़की को देख रहे हो आगे जाओ, वो तो उसका वो पिक्चर में इतना इंस्पायर हो गया। और वो फिल्म क्या था एक ही थीम थी ना, ही सेड सेम थीम हैप्पी है उसको ट्रम्पेट में बजाओ, थीम चेंज नहीं बस खाली एक ही थीम, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए यही थीम, वो गुस्से में वे बम 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 कुछ भी कर, तो उसको तुम क्रिएट करते हो बाद में हाउ टू, तभी मेरे साथ संतोष मुळे कर रहा है। तो संतोष अकेला ही था और कोई नहीं था, मैं और संतोष और पूरा वजह है संतोष ने, क्योंकि उसमें सब वही था टिंग पियानो कड़ंग कड़ंग, आप बिलीव नहीं करोगे हम लोग ने वो पिक्चर 1.5 दिन में खत्म कर डाली बैकग्राउंड बजट की लाइव, यानी ऐसे सीन देखे हाँ यहाँ से चाहिए संतोष रेडी चालू थीम तो वही है, थीम तो दिमाग में बैठा रहे यहाँ से बजाना भी किसी वजह बोले स्ट्रिंग्स में बजा रा स्ट्रिंग्स में लाया तो उसका फील अलग हो, लेकिन वो पिक्चर में ऐसा इम्पैक्ट बन गया ना। तो वैसे ही अभी मेरे को वो जो नई पिक्चर बना रहा है उसके लिए भी मेरे को बोले थीम बना, वही थीम गुस्से में भी आना चाहिए और वही थीम रोमांस में भी आना चाहिए, हाँ तो मैंने ये डाल दिया। ये बैकिंग था उसका थीम ऐसा अरे ये भी बहुत मजेदार बात है, जैसे राजू
जी ओम प्रकाश जी, तो जी ओम प्रकाश जी के भतीजे थे। हाँ। जी ओम प्रकाश जी के भतीजे थे, उनका नाम था नरेंद्र था, लेकिन हम लोग उनको काली काली बोलते थे पंजाबी। अ पापा जी करते थे वो हमेशा, वो हिस्ट टू बी विथ राजू ओनली। मैंने राजू का ही जाना है तो राजू के साथ, रिकॉर्डिंग में तो राजू के साथ, लेकिन राजू का असिस्टेंट के जैसे पीए कैसे होते हैं वैसे। अब वो उसकी आदत क्या थी, राजू भाई बोले हाँ हम उधर जाएंगे, तो राजू भाई बोलते किधर जाएंगे, अरे वो बगियन में जाएंगे फिर उधर से हम लेके आएंगे, और ऐसे वो आई एम गोइंग कमिंग, तो हिंदी को इन नहीं लगा था। अरविंद भाई आप हमारे साथ आएंगे, बोले किधर जाएंगे, तो हमेशा आप लोग आएंगे जाएंगे बाएं, तो राजू ने पकड़ लिया उसे, भोरा बगियन में गाएं ऐसे है ना उसमें। हाँ एक जी दीजिए, शायद नए जनरेशन के लोगों ने गाना नहीं सुना हो, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू मेक द सॉन्ग, सो इट यूज्ड टू बी वेरी नेचुरल। हम तुम पे इतना गाएं, कितना सी में पानी लाएं, आकाश में पंछी फ्लाएं, भोरा बगियन में गाएं, अंग्रेजी में सुन, दैट यूज्ड टू बी यू नो आई थिंक द मेन डिफरेंस वॉज इट यूज टू बी मोर इंटरक्टिव, और जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेटेड वर्क था एक दूसरे से लोग, अच्छा आपकी क्या सोच है मेरी ये सोच है, चलो अपन मिलके कुछ करते हैं। नहीं वो ऐसे था ना कि हम जब चार जन बैठते थे ना काम करने, तब ये नहीं सोचता कि ये मेरा है मैं क्यों दू इसको, ये मेरी चीज है मैं क्या को दू, वो एक ऐसा था कि नहीं बस मेरी चीज है, वो ये नहीं सोचता कि मैं, वो डिस्क्लोज बंद नहीं रखता था कि मैं मेरे लिए रखूंगा, जब अरे जब आएगा तब आएगा, अब इसके लिए ये गाना गा रहा था तो मेरे को ये सोचा इसके पीछे ऐसी लाइन मारो ये कलर मारो, तो वो तभी तुम्हारा चेहरा ऐसा दिखा बोल के मुझे लगा कि ये कपड़ा पहनाओ, वो नेचुरल निकला हुआ, तो नेचुरल चीज बनी है तो तुमको। अभी ऐसी मेरी एक बार आपको ये भी बताता हूँ, जैसे मेरे सबसे फेवरेट संगीतकार लक्ष्मी जी, ऐसे तो सभी है शंकर जी किशन तो नंबर वन ये सब, लेकिन लक्ष्मी जी भाई ऐसे थे ना कि बहुत मजा आती थी उनके साथ काम करने में, ही वॉज वेरी ओपन टू मी, हर चीज बांटते थे, कुछ भी ऐसे छुपाते नहीं थे, कोई भी चीज छुपाते नहीं। अरे मोटो वो क्या करते थे, हम लोग थिएटर के बाहर जाना कभी ब्रेक में चाय पीने जाना, तो बाहर मेबू में वहाँ चेयर में ऐसे बैठे रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही हो गया, ये बात मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए इतने बड़े इंसान है वो, तो कितने हजार गाने बने, उनको गाना बनाना तो इजी था, ऐसे बना लेते बस ऐसे ऐसे कर लिया तो गाना बन गया, ऐसे कर लिया तो उनका गाना बन जाता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग के ब्रेक में मैं ऐसे बाहर निकल रहा था, और सडनली पता नहीं मैं अपना कुछ बना रहा था, मैं भी गाने बनाता हूँ क्योंकि मैंने भी फिल्म्स की, तो मैं अपना कुछ गाना सोच रहा था, वर्ड्स नहीं कुछ नहीं, तो मेरे दिमाग में तारा एक तारा तारा तेरा सारा तारी दर दिरिदा ओ तारा मैंने टाट डर डर दिरिदा वर्ड्स नहीं है तारा तेरी तारा तारा दा दिरी तारा, ऐसा गाते गाते मैं जा रहा था, तो लक्ष्मी जी ने ऐसा ए मोटू इधर आ, बोले हाँ भाई, अरे अभी तू क्या गा रहा था, नहीं गा रहा था, नहीं नहीं अभी तू तारा तेरी तारा 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 क्या, अरे भाई मैं ऐसे गाना बना रहा था, सोच रहा था कैसे सुना सुना सुना, बहुत अच्छा सुना तो मैंने उनको गा के जो चाहिए आपको दे सकता हूँ, ये क्या फेसबुक पल्लव पंड्या फेसबुक प्लीज ज्वाइन इफ समवन वांट्स PALLAV In the meantime, my comments with you. YouTube पे भी जा रहे हैं। हाँ